नमस्कार दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान टेस्ट 3 आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें हम 30 अभ्यास प्रश्न देखेंगे। इससे पहले 2 टेस्ट लिए जा चुके हैं। सभी वीडियो की एक प्लेलिस्ट बना देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है, बताइए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा सोचना हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका अभिवृद्धि। आपको पता ही है वृद्धि और विकास, वृद्धि जो है ग्रोथ, तो इसका जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, ये सब आकार उसमें जो कि बाहर से देखी जा सके। मैकडूगल और गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या कितनी बताई है? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा 14। याद रखना इसको। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसका किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था में जो परिवर्तन है, लैंगिक लक्षण है, वो प्रकट होने लगते हैं। किसका निश्चय केवल आनुवंशिकता के आधार पर होता है? केवल आनुवंशिकता। सोचिए, विचार कीजिए, उत्तर दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा ऊंचाई, यानी ऊंचाई या लंबाई जो है वो अपने को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलती है। बुद्धि जो है वो उसमें वातावरण का भी योगदान होता है, व्यक्तित्व आदि में। कक्षा कक्ष, हालांकि लिंग जो है वो एक आनुवंशिकता भी उसमें नहीं है, इसके निर्धारण का तरीका तो पूरी तरह से वो क्लियर नहीं है इस हिसाब से। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो यहां उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें सभी कामें ली जा सकती है। प्रभाव का नियम जो है वो किसका है? 3 नियम दिए थे सीखने के मुख्य, 5 दिए थे गौण, वही व्यक्ति है, बताइए। थार्नडाइक, आपने सही पहचाना, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, बिल्ली का प्रयोग किए। विज्ञान और गणित में चिंतन को के सहारे ही विकसित किया जा सकता है, किसके सहारे? विज्ञान में, गणित में, सूत्रों के सहारे। सेफर ने अभिप्रेरकों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? अभिप्रेरक तो 4, वैसे मुख्यतः अभिप्रेरक 2 ही माने जाते हैं, आंतरिक और बाह्य। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भेद सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यात्मक, राजनीतिक, धार्मिक प्रकार से बताए हैं? यानी इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तित्व, तो स्प्रिंगर। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले प्रतिकारकों में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा आय का स्रोत। सामाजिक अनुक्रिया, व्यक्तित्व का संगठन, ये सब चीजें तो आती है। आय का जो स्रोत है वो मुख्यतः नहीं है। जब बालकों की बौद्धिक क्रियाओं की अभिव्यक्ति कंप्यूटर द्वारा होती है तो इसे कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धि, आजकल यह शब्द बड़ा चल रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मूर्ख की बुद्धि लब्धि होती है कितनी? 50 से 70। पिछले टेस्ट में हमने देखा था 70 से 85 एक मजदूर के लिए जो केवल शारीरिक जो है वो श्रम करता है उसके लिए पर्याप्त होती है, काम चल जाता है। जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती और उसमें बाधा उत्पन्न होती है, इस परिस्थिति को कहा जाता है भग्नाशा, यानी जो आशा है वो भग्न हो जाए, टूट जाए। मानसिक संघर्ष तो द्वंद्व की स्थिति में उत्पन्न होता है, द्वंद्व। बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? अधिगम के दार्शनिक आधार, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है।
निम्न में से कौन सा एक कारण कुसमायोजन का मानसिक कारण नहीं है? तो उत्तर है प्रेरणा, यानी कि असंतोष, संघर्ष, तनाव, ये सब चीजें कुसमायोजन करवाती है, मगर प्रेरणा से नहीं होता। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड परिणाम था। तो ये नई शिक्षा नीति 1986 वाली थी, उसका था। मूल्यांकन की विशेषताओं में शामिल है, उपयुक्त सभी है। मूल्यांकन में उद्देश्य आधारित होता है, पूरे ज्ञान का मूल्यांकन होता है, मापन के बाद होता है। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि प्रश्नों का स्तर थोड़ा और बढ़ाइए कठिनाई का। तो कठिनाई का स्तर अगर आपको महसूस करना है तो आप यस गुरु ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पर आप कुछ मॉक टेस्ट है, कुछ सैंपल पेपर, उनको देखिए। उसके बाद में हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें करीब 4000 से अधिक प्रश्न आपको कक्षा 6 से 10 तक RBSC, शिक्षा मनोविज्ञान, हिंदी, रचना प्रबोध, बाकी भाषाएं, उन सब के आपको मिलेंगे। निम्न में से कौन सी एक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो सीमित क्षेत्र, ये जो है मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, व्यापक होना चाहिए मूल्यांकन। क्रियात्मक अनुसंधान मूल्यांकन है, किस प्रकार का है? तो ये आंतरिक मूल्यांकन है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं था, यानी कि जब ये लागू हुआ उस समय किस राज्य को छोड़कर ये लागू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इसका जम्मू कश्मीर। हालांकि उसकी उस समय विशेष स्थिति थी, अब इसको केंद्र शासित प्रदेश वहां बना दिए गए हैं, तो अब यह सब जगह लागू हो गया है RTE। छात्र में वृद्धि होती है, छात्र का मतलब यहां विद्यार्थी से है, तो वृद्धि जो है उसका संबंध किससे है? वंशानुक्रम से है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो छात्र की सक्रियता पर आधारित, यानी छात्रों की सहभागिता उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हो, करके सीखने पर बल दिया जाए। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है सीखने की दृष्टि से? शेषावस्था, शेषावस्था यानी 0 से 5 वर्ष की जो आयु है, उसमें भी विशेषकर 0 से 2-3 वर्ष की आयु, उस समय बालक का अत्यधिक तीव्र गति से मानसिक विकास होता है, तभी वह बोलना आदि सीख जाता है। अगर 5 साल तक बालक को एकांत में रखा जाए तो आगामी फिर उसका सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए सीखने का सबसे महत्वपूर्ण काल है शेषावस्था। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का काल या समय किसने कहा है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता का काल, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? रोस ने कहा है। एक बार आपको स्क्रेच और कर देते हैं उत्तर। किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता की सच्ची अनुकृति नहीं होते हैं? तो माता पिता ज़्यादातर, तो बच्चे जो है ज़्यादातर माता पिता के समान होते हैं, मगर कई बार वह माता पिता के विपरीत भी हो जाते हैं या समान नहीं होते, तो वह भिन्न हो जाते हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे भिन्नता का नियम। आनुभाविक अधिगम है, बालक के अनुभव के माध्यम से घटित अधिगम। अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है, जैसे अभिप्रेरित व्यवहार का मतलब आपने कोई YouTube पे वीडियो देखा या आपने किसी कामयाब व्यक्ति को देखा और आप पढ़ने के लिए बेताब हो गए, आप मोटिवेट हो गए, तो वो आपका अभिप्रेरित व्यवहार है। तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है, कौन सी विशेषता नहीं है? तो अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, हृदय गति, श्वसन गति तीव्र हो जाती है, ये तो अभिप्रेरित व्यवहार के समय नहीं होगी,
ये तो घबराहट डर उसके समय होगी। अभिप्रेत व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है, चक्रीय होता है, मतलब कभी प्रेरणा आई, वापस कम हुई, वापस बढ़ी। अभिप्रेरित व्यवहार में सम स्थिति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, यानी स्थिति अगर समान हो जाती है तो असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, तो असामाजिकता कभी भी किसी भी अच्छे व्यक्तित्व संगठित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं मानी जाएगी। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, हम शिक्षक जो है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनके अभिभावक से भी समय समय पर मिलना जरूरी है ताकि उसकी प्रगति बच्चे की मालूम हो सके। तो हम स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, और होता भी है डोर टू डोर विद्यार्थियों से, उनके परिवार से संपर्क करना, इसमें कोई जो है बुराई नहीं है, बल्कि शिक्षण जो है वो प्रभावी होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 200 बालकों पर शिक्षकों की संख्या होगी, बताइए। ऑप्शन भी इस तरह से दूर दूर के दिए हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं हो। तो उत्तर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से ये 30 अभ्यास प्रश्न थे, और अगले वीडियो में हम पुनः है 30 अभ्यास प्रश्न मनोविज्ञान के लेकर आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, कमेंट करके अपना राय मशविरा दें। किसी क्वेश्चन में डाउट लगा तो आप ज़रूर बताएं। पिछले टेस्ट पेपर में आप लोगों ने बताया कि पुनर्बलन जो सिद्धांत है, तो वो उस पर सबसे ज़्यादा बल हल नहीं बल्कि स्किनर। तो हालांकि प्रबलन या पुनर्बलन के जनक हल माने जाते हैं, मगर स्किनर ने बाकायदा पुनर्बलन पर सबसे ज़्यादा बल दिया था, कि उसने कहा था कि पुनर्बलन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यश गुरु ऐप डाउनलोड आप करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर यश गुरु लिखें, और ये आपको लोगो मिलेगा जहाँ से आप इसको इंस्टॉल करके और इसका जो अनुभव आप ले सकते हैं। धन्यवाद।